दोस्तों टुडे स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक पर बात करने वाले हैं जिसका प्राइस की बात करें तो लगभग हमें 1600 रुपए का प्रॉफिट में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं बार बार आप लोग से यही कहूंगा, जब स्टॉक की प्राइस हमें 400 रुपए के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिला था उस समय से लगातार आप लोग को यही बोला था कि इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए, जितना रिस्की है उससे ज्यादा कहीं रिटर्न मिल सकता है इस स्टॉक में। स्टॉक के प्राइस जब 400 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था उस समय भी हम आप लोग को यही बोला था कि स्टॉक के प्राइस हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में लगभग 700 रुपए प्लस में हमें जाते हुए देखने को मिलेगा। दोस्तों जब स्टॉक की प्राइस 700 रुपए क्रॉस करके आगे निकला तब भी मैंने वीडियो बनाकर बोला था कि इसका प्राइस में फ्यूचर में लगभग 1000 प्लस में भी हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों जब स्टॉक की प्राइस 1000 क्रॉस करके आगे निकला तब भी मैंने वीडियो बनाकर बोला था कि इसका प्राइस हमें एनुअल ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1300 रुपए अप्रोक्सीमेटली ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकता है। दोस्तों जब स्टॉक की प्राइस 1300 रुपए क्रॉस करके आगे निकलते हुए देखने को मिला था उस समय भी हम आप लोग यही वीडियो बनाकर बोला था कि स्टॉक के प्राइस हमें लगभग आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें 1500 प्लस में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकता है। और दोस्तों इसका प्राइस हमें 1500 क्रॉस करके आगे निकलते हुए देखने को मिल रहा है और फ्यूचर में इसका प्राइस में फिर से यही आप लोगों को कहूंगा कि इसका प्राइस हमें लगभग 2000 प्लस में देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि स्टॉक जितना रिस्की है उससे कहीं ज़्यादा इसके अंदर रिवार्ड छुपा हुआ है। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कि वो स्टॉक है कौन सा। दोस्तों हम आप लोग से बात कर रहे हैं अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की रिगार्डिंग। अगर मैं इसका आज की ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि स्टॉक के प्राइस हमें लगभग 1600 रुपए के ऊपर हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। जो कि हम बात करें पिछले वन मंथ की, तब देख सकते हो कि पिछले वन मंथ में इसमें लगभग 36% से एबव का हमें रैली देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं बात करेंगे पिछले सिक्स मंथ की, तब देख सकते हो कि पिछले सिक्स मंथ में बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 270% से एबव का मुनाफा दिया है जो कि बहुत ही शानदार है। मैं यहीं से आप लोग को हमेशा मतलब लगभग 4 से 5 बार मैंने वीडियो बनाकर बोला था कि इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए, इसमें जितना रिस्क है उससे कहीं ज़्यादा रिवार्ड हमें देखने को मिल रहा है। और स्टॉक की प्राइस आप लोग के सामने है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और फ्यूचर में दोस्तों इसका प्राइस हमें लगभग 2000 प्लस में भी हमें देखने को मिल सकता है, तो आप लोग चाहो तो फोकस बनाकर रख सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं पिछले एक साल की, तो आप देख सकते हो कि पिछले एक साल में हमें लगभग 740% से एबव का मुनाफा देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों वहीं बात करेंगे सबसे अधिक दिनों का चार्ट पैटर्न का, तो आप लोग देख सकते हो इसका चार्ट पैटर्न कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, एकदम अपवर्ड ट्रेंड में भागते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक सिमिलर वे में स्टॉक की प्राइस हमें देखने को मिलता था लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से बहुत ही शानदार तरीके से हमें अपर ट्रेंड में हमें रैली देखने को मिल सकता है और इसका प्राइस हमें लगभग 2000 प्लस में हमें जाते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं इसका सबसे अधिक दिनों के चार्ट पैटर्न का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लगभग 5600% से एबव का हमें मुनाफा देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी शानदार है। तो चलिए दोस्तों इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं, देन इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करेंगे। अगर यहाँ पे बात करें एनएससी की साइड पे तो आप लोग देख सकते हो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें लगभग यहाँ पे 52% से एबव का हमें यहाँ पर डिलीवरी देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों ये इंडिकेट कर रहा है कि फ्यूचर में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसमें बहुत ही शानदार तरीके से हमें रैली देखने को मिल सकता है, तो आप लोग चाहो तो इस स्टॉक पर फोकस बनाकर रख सकते हो। वहीं बात करेंगे इसका 52 लो एंड हाई का, तो स्टॉक ओनली 170 रुपये के अप्रोक्सीमेट ट्रेड करते हुए देखने को मिला था पिछले साल। वहीं बात करें इसका 52 हाई का, तो स्टॉक 1644 रुपये का हाई बनाया है। दोस्तों फ्यूचर में इस प्राइस के क्रॉस करके हमें लगभग 2000 प्लस में जाते हुए देखने को मिलेगा, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो, फ्यूचर में भी काफ़ी शानदार तरीके से मुनाफा मिल सकता है इसमें। वहीं बात करेंगे इसका फेस वैल्यू का, यहाँ पे हमें 1000 रुपये देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें इसका क्वार्टर का रिजल्ट का, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर अभी भी कंपनी ने नेट प्रॉफिट में यहाँ पर लॉस नहीं दिखाया दोस्तों। वहीं बात करेंगे कि इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमें 75% के अप्रोच में हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है प्रमोटर का। वहीं बात करेंगे क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, तो यहाँ पे देख सकते हो लगभग हमें 12% के अप्रोच में हमें प्लेस देखने को मिल रहा है प्रमोटर का शेयर। दोस्तों कोई खास है नहीं, आप जो चाहो तो इस स्टॉक पर फोकस बनाकर रख सकते हो, फ्यूचर में हमें बहुत ही शानदार तरीके से मुनाफा मिल सकता है। वहीं बात करेंगे मनी कंट्रोल की साइड पर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें लगभग 1,75,000 प्लस में हमें देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें सेक्टर के पी रेशियो का, यहाँ पे 11.81 देखने को मिल रहा है जो कि सेक्टर के पी रेशियो से इस स्टॉक का पी रेशियो काफ़ी हाई हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से इसमें हमें डिलीवरी देखने को मिले, खरीदारी होती हुई देखने को मिले, दोस्तों हमें फ्यूचर में डेफिनेटली इसमें हमें रैली देखने को मिलेगा, आप लोग चाहो
तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। वही बात करें यहाँ पे मूविंग एवरेज एंड, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेजर तीन इंडिकेटर है दोस्तों, जो कि मूविंग एवरेज एंड टेक्निकल इंडिकेटर एंड मूविंग एवरेज क्रॉस वर्ड, तीनों के तीनों इंडिकेटर यहाँ पे हमें वेरी बुलिश देखने को मिल रहा है। तो फ्यूचर में डेफिनेटली इसमें हमें रैली देखने को मिलेगा। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। यहाँ पे इंडिकेटर यही इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही शानदार तरीके से हमें रैली देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस स्टॉक में खरीदारी भी काफ़ी शानदार तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे सेल्स का, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सेल्स भी काफ़ी शानदार तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिले मार्च क्वार्टर में। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्वार्टर बाय क्वार्टर बहुत ही शानदार तरीके से हमें सेल्स का डाटा इंप्रूवमेंट होते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे नेट प्रॉफिट का, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें अकॉर्डिंग टू दिसंबर क्वार्टर, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें रिजर्व सरप्लस का, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे रिजर्व सरप्लस भी काफ़ी शानदार तरीके से हमें एवरी ईयर जबरदस्त इंप्रूवमेंट के साथ में हमें डेटा देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो। वहीं बात करेंगे डेप्ट का, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें डेप्ट भी देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें फिक्स एसेट की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फिक्स एसेट का डेटा भी बहुत ही शानदार तरीके से हमें इंप्रूवमेंट होते हुए देखने को मिला है। और यहाँ पे 31,648 करोड़ का हमें फिक्स एसेट हमें देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है दोस्तों। वहीं बात करेंगे कि इस स्टॉक में एफआई की होल्डिंग कितना है, डीआई की होल्डिंग कितना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे प्रमोटर का, तो लगभग हमें 75% का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें एफआई की होल्डिंग की, लगभग 20% से एबव का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें डीआई की होल्डिंग की, लगभग हमें 2.5% से एबव का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे यहाँ पे पब्लिक का, मतलब हमें 2.5% से हमें लगभग 2.5% के अप्रोक्स में होल्डिंग देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डर पैटर्न भी काफ़ी शानदार तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे कि अगर इस स्टॉक में थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिलता है तो इसका प्राइस कितना नीचे आ सकता है दोस्तों। अगर बात करें इस प्राइस से, तो हमें लगभग 1370 रुपये का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। अगर बात करें फ्यूचर का, तो फ्यूचर में इस स्टॉक में डेफिनेटली हमें रैली देखने को मिलेगा और इसका प्राइस में लगभग 2000+ में हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी वीडियो है नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।